तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। दोस्तों आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर और एलिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रण। दोस्तों ये बहुत ही एसएससी या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब भी हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो इससे कम से कम दो या तीन क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दोस्तों, तो दो या तीन क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। दोस्तों ये जो हम आपको सीरीज पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से, और बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको मिक्सचर और एलिगेशन में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी पार्ट होगी, तो ये हमारी पार्ट वन होगी। हमने यहाँ लिख भी दिया कि एकदम शुरू से और आसान भाषा में आपको बताएंगे, और समझ की तो आपको गारंटी है 100% की। और आपको हमने क्वेश्चन का टाइप बता रखा है कि क्वेश्चन हम किस टाइप से पूछेंगे, और दोस्तों हर एक दो तीन क्वेश्चन के बाद हम टाइप चेंज कर देंगे और आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर को करते हुए चलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों आपसे छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 100 लीटर मिश्रण में, क्या दोस्तों 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, यानी 10% जो है पानी की मात्रा है और जो बचा हुआ 90% है वह क्या है दोस्तों, दूध है। तो इसमें कितने लीटर और पानी डालें, सॉरी दोस्तों यहाँ डाले थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, और कितने लीटर पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। और ये आपके ऑप्शन है ए 45, 50, 60 और 80। दोस्तों सबसे पहले आपको हम बिल्कुल पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। ये समझाने के लिए हम लिख लेते हैं पानी, क्या लिख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ लिख लिया हमने पानी और यहाँ हमने क्या लिख लिया दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया अरे हमने दूध लिख लिया, ठीक है। तो जब आपकी आपका जो सॉरी जो आपका मिक्सचर होता है वो अपने आप में कितना होता है, तो आप कहेंगे वो अपने आप में भैया कितना परसेंट होता है, 100%। यानी कोई भी हम दूध और पानी का मिश्रण लेंगे तो दोनों को किस प्रतिशत में क्या लिखेंगे, तो अपने आप में कितना प्रतिशत है भैया, तो 100% है, जब 10% पानी की मात्रा है, क्या दोस्तों 10% पानी की मात्रा है, तो बाकी 90% क्या होगा, तो दूध होगा, तभी तो ये मिलाकर के 100% होगा, तो ठीक है। और दोस्तों अब क्या कह रहा है कि इसमें कितने लीटर और पानी डाले ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए, यानी पानी डालने के बाद जो दूध की मात्रा कितनी बचनी चाहिए, तो आप कहेंगे भैया अरे 50%, यानी पानी कितना प्रतिशत होगा, तो 50%। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। दोस्तों आपको हम ट्रिक बताएंगे, ट्रिक हम यहाँ लिख भी देते हैं कि जब भी क्या दोस्तों, कि जब भी जो मिलाया जाता है जो मिलाया जाता है उसे काम में नहीं लेते हैं, जो मिलाया जाता है उसे मिलाया जाता है या घटाया जाता है उसे काम में क्या दोस्तों, उसे काम में नहीं लेते हैं। और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आप इस हमारी बात को याद रखते हैं तो आपको ऐसे कोई भी प्रश्न करने में दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी 100% की गारंटी है कि जब भी कोई सामान मिलाया जाता है या घटाया जाता है उसे आपको काम में नहीं लेना है। दोस्तों आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे कि इसमें कितने लीटर पानी मिला पानी डालें, यानी कि आप क्या डाल रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं या क्या डाल रहे हैं, तो पानी, तो हम पानी को भैया नहीं लेंगे, हम सिर्फ दूध को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आप बताइए कि जो हमारा मिश्रण हमारा कुल कितना लीटर है भैया, तो आप कहेंगे बड़े भैया 100 लीटर है, कितना लीटर है 100 लीटर है, गुने जो ऊपर रहता है उसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर क्या है 90%, तो ऊपर लिख देंगे 90, और नीचे क्या है 50 है, तो 50, ये क्या है दोस्तों, तो ये 90% है और ये 50% है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 50 दुना के क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बड़े भैया 50 दुना का 100 हो जाएगा, और 9 दुना के 18 यानी 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। पहले हमारे पास जो मिक्सचर था, तो पहले हमारे पास मिक्सचर की क्वांटिटी यानी मिक्सचर का मात्रा कितने लीटर था, तो भैया आप कहेंगे 100 लीटर, और जब उसमें 50% हम और पानी डाल देते हैं तो कितना हमारे पास मिक्सचर हो जाता है रे भैया, तो आप कहेंगे बड़े भैया 180 लीटर हो जाता है, यानी डिफरेंस कितने का है रे बाबू, तो आप कहेंगे भैया 80 का डिफरेंस है, यानी 80 लीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 80 लीटर, यानी कितने लीटर
और दूध की मात्रा रह जाएगा तो 80 लीटर ये हो जाएगा, कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भैया अरे 80 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। और ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो हम गारंटी देते हैं कि आपको अगले क्वेश्चन में जो है ये हमारा जो ट्रिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जल और दूध के एक मिश्रण आयतन 40 लीटर, यानी एक जल और दूध का मिश्रण है उसका जो वॉल्यूम यानी आयतन है कितने लीटर का है, तो 40 लीटर है। इसमें 10% जल है, क्या है दोस्तों 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। आपको यहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है, जो कह रहा है क्वेश्चन वो करना है। पहले हम क्या लिख लेंगे, तो जल लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे दोस्तों, दूध लिख लेंगे। आप क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 10% जल है, यानी जल की मात्रा कितनी है भैया, तो आप कहेंगे भैया 10% है, तो दूध की मात्रा हमारे पास कितनी बच जाएगी रे भैया, तो 90% बच जाएगी। और थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में चेंज है कि कितना पानी मिलाया क्या जा रहा है दोस्तों, पानी मिलाया जा रहा है जिसमें कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए, यानी जल कितना प्रतिशत हो जाए, तो 20%, तो हमारे पास दूध कितना हो जाएगा भैया, तो 80%। जितना आपको क्वेश्चन कह रहा है उतना ही करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले यानी पहले क्वेश्चन में आपको क्या ट्रिक बताया है कि जो मिलाया जाता है या घटाया जाता है उसको नहीं लेना है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या मिलाया घटाया जा रहा है, तो भैया अरे आप कहेंगे कि इसमें पानी मिलाया जा रहा है, यहाँ देख लीजिए क्या मिलाया जा रहा है भैया, पानी मिलाया जा रहा है, तो यानी हम जल को यानी पानी को हम नहीं लेंगे और सिर्फ हम दूध पर लेकर के सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो मिक्सचर यानी जो मिश्रण का जो आयतन की क्वांटिटी है कितना है भैया, तो 40 लीटर है, गुने ऊपर जो रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी 90% को हम कहाँ लिखेंगे रे भैया, तो आप कहेंगे बड़े भैया ऊपर लिखेंगे, और 80% को बड़े भैया जो ये हमारा बचा हुआ है दूध का वो कहाँ लिखेंगे रे भैया, तो नीचे लिखेंगे, यानी प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 40 × 80 और 45 × 90, यानी जो हमारे पास जल मिलाने के बाद जो हमारे पास मिक्सर का क्वांटिटी होगा कितने लीटर होगा दोस्तों, तो 45 लीटर होगा। यानी पहले हमारे पास कितना था रे भैया, तो आप कहेंगे बड़े भैया 40 लीटर था, अब हमारे पास जो मिक्सर मिलाने के बाद जो हमारे पास पानी मिलाने के बाद कितना हो गया, तो 45 हो गया। यानी हम इससे हम निकाल सकते हैं कि हमने कितना लीटर पानी मिलाया है रे भैया, तो 5 लीटर हमने पानी मिलाया है। और कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा रे बाबू, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 5 लीटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर आपको कहीं भी दिक्कतें होती है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर हम अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दे, अगली जो वीडियो आएगी यानी जो मिक्सर एंड एलिगेशन की पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें आपको ये सारे हम डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो भैया अरे आप कहेंगे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध तथा पानी के 20 kg मिश्रण में, दूध तथा पानी के 20 kg के मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी और डाला जाता है, कितने लीटर दोस्तों, तो 5 लीटर और पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि जो ये 20 kg का मिश्रण है और उसमें 15% पानी है, तो जो ये हमारे पास 15% दिया है ना, इसको प्रतिशत को हम लीटर में यानी सॉरी केजी में निकालेंगे इसको, तो आइए केजी में निकालते हैं, टोटल हमारे पास मिश्रण कितना है भैया, तो आप कहेंगे बड़े भैया 20 kg है, यानी और जब उसको हम 15% है उसको संख्या में चेंज करेंगे तो 15 को ऊपर लिख देंगे और प्रतिशत के बदले में हम 100 क्या कर देते हैं भैया, तो नीचे लिख देते हैं, यानी 20 × 20 और 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 5 × 5 5 × 3 = 15, यानी हमारे पास जो 15% की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास 15% की वैल्यू कितनी आ गई भैया, तो आप कहेंगे बड़े भैया 3 kg आ गई, कितनी केजी भैया, तो 3 kg। अब हमारे पास पानी सॉरी मिश्रण किस किस चीज़ का है भैया, तो आप कहेंगे दूध और पानी का है, दूध और पानी का है। जब हमारे पास 15% पानी यानी 15% को हमने जब केजी में बदला है तो कितना केजी हो गया दोस्तों, 3 kg, यानी 15% पानी तो यानी कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो आप कहेंगे यानी 3 kg पानी हो जाएगा। जब 20 kg के मिश्रण में 3 kg दूध है तो हम सॉरी पानी है तो हमारे पास दूध कितना हो जाएगा रे भैया, तो आप कहेंगे बड़े भैया 17 kg हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 5 लीटर और पानी डाला जाता है, क्या दोस्तों 5 लीटर यानी 3 kg + 5, तो अब हमारे पास कितने केजी पानी हो गए, तो आप कहेंगे भैया हमारे पास 8 kg पानी हो गया, 8 kg पानी हो गया,
8 केजी पानी हो गया तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या हुआ, और हमारे पास दूध की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही, दूध हमारे 17 का 17 ही रह रहा है, सिर्फ हम 5 केजी और पानी मिला दे रहे हैं, तो यानी 17 है दूध दूध और 8 केजी है पानी। अब इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 17 और 8 कितना हो जाएगा रे भैया, 25 हो जाएगा। और हमें किसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, तो आप कहेंगे रे बड़े भैया कि हमें दूध का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं और ये पानी और दूध को मिला करके टोटल कितने केजी का मिश्रण है रे भैया, तो 25 केजी का मिश्रण है, तो 25 नीचे लिख देंगे एंड गुणे में 100 लिख देंगे, गुने में 100 लिख देंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 17 चौका 68 हो जाएगा, यानी 68%। तो हमारे पास जो दूध की मात्रा हो जाएगी, तो दूध की मात्रा कितनी प्रतिशत हो जाएगी भैया, तो 68% हो जाएगी। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 के अनुपात में, यानी कोई मिश्र धातु है जिसमें कि कॉपर और जिंक मिलाया गया है, और उसकी जो मिश्र धातु है उसकी क्वांटिटी कितनी है भैया, तो आप कहेंगे 200 ग्राम है। कितना वजन है, तो 200 ग्राम है, जिसमें कि हमारे पास जो कॉपर है कॉपर 2 और जो जिंक है वो 3:3 में है। अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा क्या है, यानी जब हम उसमें कॉपर की कुछ मात्रा मिला दे रहे हैं तो हमारे पास जो अनुपात हो जा रहा है वो 3:2 हो जा रहा है, तो इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ कॉपर को हम सी लिख देते हैं और जिंक को यहाँ जेड लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने। पहले जो हमारे पास अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे बड़े भैया जो अनुपात है 2:3 है, यानी जो 2 है वो कॉपर है और 3 जो है वो जिंक है। अब जो है उसमें कॉपर की कुछ मात्रा मिलाने के बाद जो हमारे पास मिक्सचर हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है बड़े भैया, तो आप कहेंगे 3:2 हो जाएगा। और आपको हमने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में बताया है कि जो चीज़ हम मिलाते हैं या घटाते हैं तो भैया अरे उसको हम नहीं लेते, यानी हम इसमें क्या मिला रहे हैं, तो इसमें हम कॉपर मिला रहे हैं। देख सकते हैं उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा क्या होगी, तो हम क्या मिला रहे हैं, तो कॉपर मिला रहे हैं, तो हम इसमें कॉपर को जो है नहीं लेंगे, कॉपर को नहीं लेंगे। अब बताइए कि हमारे पास जो टोटल मात्रा है वो कितना है, 200 ग्राम है, और जो ऊपर है उसको ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर कितना है जिंक, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे, और नीचे कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, 200 कटा देंगे 100 बारी में, और ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो गया। तो दोस्तों जो पहले हमारे पास मिश्र धातु था वो कितना था, तो 200 था, और जब कॉपर हमने मिला दिया है तो अब कितना हो गया, तो 300 ग्राम हो गया है, यानी कितने ग्राम की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे भैया अरे 100 ग्राम की वृद्धि हुई है, 100 ग्राम की वृद्धि हुई है। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे बड़े भैया ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 100 नंबर। दोस्तों आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कतें होती हैं तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 56 रुपये प्रति केजी की चाय 82 रुपये प्रति केजी की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपये केजी हो जाए, 67 रुपये प्रति केजी हो जाए। दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 3 मात्रा हो, यानी 2 को मात्रा को मिलाया जाता है और एक से एक मिश्रण जो होता है दोनों मिश्रणों के बीच में होता है, तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं एलिगेशन मेथड से। तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं, तो पहले क्या है, एक 56 रुपये केजी की चाय से है तो 56 लिख देंगे, और दूसरे कितने रुपए केजी की चाय है, तो 82 रुपये केजी की चाय है। तो दोस्तों इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, यानी 56 रुपये प्रति केजी की चाय और 82 रुपये प्रति केजी की चाय को मिला करके जो हमारा फाइनल क्रय मूल्य, यानी जो हमारा फाइनल मूल्य बचता है वो कितने रुपए का बचता है भैया, तो आप कहेंगे 67 का बचता है। तो इसको ऐसे हम साइन देते हैं और घटा करके लिख देते हैं, यानी 82 में से 67 को घटाएंगे और 67 में से 56 को घटाएंगे। दोस्तों इसमें कम ज़्यादा नहीं लेते, किसी में से किसी को बस सिर्फ क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस, अगर ये ज़्यादा हो ये ज़्यादा हो, ये कम हो ये ज़्यादा, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ क्रॉस में घटाना पड़ता है। तो जब हम 82 में से 67 घटाएंगे, किसमें दोस्तों, तो जब 82 में से 67 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा रे भैया, तो ये हो जाएगा 15, और जब 67 में से 56 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रे भैया, 11 हो जाएगा। दोस्तों अब देख रहे हैं ना हम कैसे कैसे घटा रहे हैं, तो कैसे घटा रहे भैया, तो हम 67 में से 56 को घटाएं और फिर 82 में से 67 को घटा करके लिख दिए हैं। तो घटाने के बाद हमारा अनुपात क्या निकल के आया दोस्तों, तो 15:11 निकल के आया है, और 15:11 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ए ऑप्शन में है, और ये हो जाएगा आपसे हमारा आंसर।
दोस्तों आतंक वाह और भैया, तो बहुत ही आसान तरीका है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको अपना समय बचाने के लिए, साथ ही स्मार्ट बनने के लिए आपको एलिगेशन मेथड अपनाना पड़ता है और इसे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन करने में मजे आ रहे हैं तो ये सारे हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1.60 रुपये प्रति केजी के चावल को 1.45 रुपये प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 1.54 रुपये हो जाए, 1.54 रुपये हो जाए। दोस्तों हमने जैसे हमने पहले सॉल्व करा मिक्सचर एलिगेशन मेथड से, उसी से करेंगे 1.60 रुपये और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1.45 रुपये, और जो हमारा फाइनल मूल्य बन रहा है वो क्या बन रहा है भैया, तो 1.54 रुपये बन जा रहा है। इसको ऐसे ही घटा देंगे हम, तो आइए घटाते हैं। जब भी हम जो कटने वाला होता है उसको हम कटा भी देते हैं, जब भी हम 1.60 में से 1.54 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.06 हो जाएगा, और जब भी 1.45 से 1.54 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो 0.06 हो जाएगा, अब सॉरी 0.09 हो जाएगा। जब भी इसको हम कटने वाली संख्या होती है तो उसको हम कटा देते हैं, यानी ये कट जाएगा 3 × 9 और 3 × 6, और दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव हटाने के लिए ऊपर तो 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा भैया, तो नीचे दशमलव के बाद 0 और 9 दो अंक है, तो यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:100 हो जाएगा, और आप देख सकते हैं दोनों बराबर है, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, तो भैया 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल अनुपात बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, तो भैया रे 3:2 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा, 3:2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हमें क्या है, 12 लीटर दूध, तो 12 यहाँ लिख देंगे, इसको भी हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 12 लीटर दूध हो गया, और किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य हो जाएगा वो 8 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा दोस्तों, और जो दूसरा रुपया दिया गया, दूसरा रुपया हमें नहीं दिया गया है तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे रे भैया, तो उसके लिए हम 0 मान लेंगे, और पहला 12, और मिलाने के बाद जो हमारा फाइनल मूल्य बन जा रहा है वो कितने रुपए का बन जा रहा है, तो 8 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। फिर इसको ही हम ऐसे घटा देंगे, जब 8 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और 12 में से 8 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रे भैया, ये हो जाएगा 4। अब भैया देख रहे आप, ये कटने वाला है यानी कैसे कट जाएगा, 4 × 4 = 8, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा रे भैया, 2:1, और ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2:1। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, और अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, 60 रुपये प्रति केजी की चाय को 65 रुपये प्रति केजी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है 68 रुपये 20 पैसे प्रति केजी से बेचने पर 10% का लाभ। दोस्तों आप यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो हो जाएगा 60 रुपये और यहाँ हो जाएगा 65 रुपये। ठीक है, लेकिन जो ये 68 रुपये 20 पैसे है वो यहाँ के लिए वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि 68 रुपये 20 पैसे प्रति केजी बेचने पर हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 10% का लाभ हुआ, यानी जो हमारे पास बनाने के बाद जो हमें मिक्सर बनाने के बाद जो हमें क्रय मूल्य मिलेगा वो हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम उसको निकालेंगे, यानी जो 68 रुपये 20 पैसे है हम कितने रुपये में 20 बेच रहे हैं दोस्तों, तो 68 रुपये 20 पैसे में बेच रहे हैं, कितने प्रतिशत लाभ पर, तो 10% लाभ पर बेचेंगे, यानी 10 में 100 जोड़ देंगे तो 110 रुपये में बेच रहे हैं, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं ना भैया, तो 100 से गुना कर देते हैं, तो हम 100 से गुना कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ की हमारी वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 68 20 हो जाएगा, और जब दशमलव के बाद दो अंक हैं तो यानी नीचे में कितने 0 हो जाएंगे रे भैया, तो आप कहेंगे भैया रे 2 0 यानी 100 हो जाएगा, एंड गुने में 100 है ही, तो 100 से 100 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और जब इसको कराएंगे तो 11
62 बार में जाएगा 682, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या फाइनल आ गया, हमारे पास क्रय मूल्य 62 रुपये आ गया। तो यहाँ की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई कितने रुपये भैया, 62 रुपये है। तो अब इसको हम घटा देंगे और हमारा अनुपात बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, 60 में से 62 यानी 62 में से 60 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रे भैया, 2 हो जाएगा, और 65 में से 62 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रे भैया, 3 हो जाएगा। यानी किस अनुपात में हम मिलाएंगे, तो आप कहेंगे भैया अरे 3:2 में मिलाएंगे, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3:2। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आपको कहीं भी दिक्कतें होती हैं तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, तो 12 रुपये प्रति लीटर के द्रव्य में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 13.75 पैसे प्रति लीटर के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो। सेम जैसे हमने 8 नंबर क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 12, ठीक है। यहाँ क्या लिख लिया हमने, तो यहाँ लिख लिया 12, और यहाँ की हमें वैल्यू नहीं दी गई है तो यहाँ मान लेंगे 0। लेकिन यहाँ की वैल्यू हमें दी गई है 13.75 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचने पर 25% का लाभ होगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे भैया, तो यहाँ लिख लेंगे हम 13.75 लिख देंगे, लिख लिया। और जब 25% का लाभ होता है यानी कितने रुपये में, तो 125 रुपये में, और प्रतिशत को बदलने के लिए हम क्या लिख लेते हैं, तो गुणे में 100 ले लेंगे, ठीक है। ये इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा रे भैया, तो ये हो जाएगा 13.75 और ये हो जाएगा 125, और 0.5 हटाएं तो गुने में 100 हो जाएगा, एंड गुने में 100 हो जाएगा। 100 से 100 क्या होगा रे भैया, तो कैंसिल हो जाएगा और ये 0.5 जो हमारा हट जाएगा, ये 0.5 हमारा हट गया है। और जब इसको कटाएंगे तो ये कितनी बारी में जाएगा रे भैया, तो ये जाएगा 11 बारी में। यानी हमारी जो यहाँ की वैल्यू प्राप्त हो गई, यहाँ की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई रे भैया, तो 11 प्राप्त हो गई है। अब इसको हम घटा देंगे और लिख देंगे, यानी जब भी हम 0 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 12 घटाएंगे 1, यानी कितने अनुपात में मिलाएंगे, तो 11:1 में मिलाएंगे। और ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सारे ही ऑप्शन गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा रे भैया, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 11:1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों ये था हमारा आज का मिक्सचर एलिगेशन की वीडियो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।